अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग फाइवर पे एफिलिएट अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे दिस वन फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे को करूँगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इसमें हमें दिए हैं। ज्वाइन एज एन एफिलिएट, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमसे मांग रहा है। यहाँ पे हम आप अपनी डिटेल्स देंगे जस्ट लाइक दिस। मैं अपना नाम, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं इधर लिख दूँगा। जी, यहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ऐड कर ली और उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, यूज़र नेम आप अपना यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। और ये काफ़ी ट्राई करने के बाद मुझे इसने अलॉट किया कि हाँ ये आप रख सकते हैं। उसके बाद नहीं तो ये ऑप्शन दे रहा था कि ऑलरेडी ये यूज़ हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने पासवर्ड लेना है और 6 डिजिट का पासवर्ड है। सेम यहाँ पे भी वही रीइंटर करना होता है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपने किस पर्पस के लिए करना है। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप जो है मैंने प्राइवेट पे क्लिक किया। और उसके बाद इसने यहाँ पे मुझसे पूछा कि ट्रैफिक का सोर्स है या नहीं है। तो मैंने कहा हाँ है, यस पे मैंने क्लिक किया। फिर उसने पूछा कि कैसे है? तो यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का जो आईडी है उसका लिंक दे दिया। नेक्स्ट सेकेंडरी, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, एक मैंने उसको दे दिया। उसके बाद इसने मेरी नेशनलिटी पूछी है पाकिस्तान पे, और लैंग्वेज के ऊपर पूछा है। तो मैंने इसके यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है और मैंने इसको इंग्लिश पे क्लिक किया। सेकंड, यहाँ पे इसने मेरी स्काइप आईडी मांगी थी, मैंने अपनी आईडी डाल दी। और नेक्स्ट पे नेक्स्ट, उसके बाद ये कुछ चीज़ें मुझसे पूछ रहा। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है कि फाइवर को किस तरह से प्रमोट करेंगे। तो यहाँ से एफिलिएट नेटवर्क पे भी हम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर दें आप, और यूट्यूब के ऊपर भी हम करेंगे। और उसके बाद आपका जिस पे भी आप अपनी मर्ज़ी से आप इस पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी जो ऑडियंस ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टिक कर सकते हैं। खैर, ये कुछ ऑप्शंस थे जिन पे मैंने टिक किया, इन्हें आप अपनी मर्ज़ी से टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज़ के साथ मैंने एग्री कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर कर लिया। नाउ इस टाइम मुझे बताया कि आप फाइवर पर रजिस्टर हो चुके हैं एज एन एफिलिएट। नेक्स्ट, स्टार्ट डूइंग। जो यूज़र नेम मैंने यूज़ किया था, वैसे मैं अपना यूज़र नेम भूल गया था, याद आ गया। यूज़र नेम और पासवर्ड जो ऑलरेडी हमने वहाँ पे टाइप किया था वही हम इसको यूज़ करेंगे और इंटर लॉगिन कर लेंगे। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए बोल रहा है कि हम एग्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसका ये ओपन हो गया है। बाकी इससे रिलेटेड
जो भी इंफॉर्मेशन है मैं फर्दर एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा और उसके अंदर ओवरऑल इसका देखूंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा बैलेंस ज़ीरो है, मेरी आईडी यहाँ पे है, मेरा यूज़र नेम टॉप पे है और नीचे आईडी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा मार्केटिंग टूल्स नाउ यहाँ पे अब हम इस तरह ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग लिंक कहाँ से लेंगे किसी भी जो भी हमें एफिलिएट लिंक दिया जाएगा वो हम कहाँ से लेंगे। यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग टूल डीप लिंक्स। अच्छा ये लिंक मुझे मिल गए तो हम यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे। ऐसे और कॉपी पर करने के बाद जहाँ पे आपको लिंक ये पोस्ट करना है वहाँ से हम लोग जाके पेस्ट करके पोस्ट कर देंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट उसी लिंक के ज़रिए से फाइवर पे आके ये अकाउंट बना सकते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे पास कौन कौन से हैं, पेमेंट्स का है, अर्निंग रिपोर्ट्स है और इसी तरह से फर्दर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलरेडी ये अकाउंट अभी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और मैंने साथ ही वीडियो भी अपना रिकॉर्ड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।